Hello, good afternoon my dear children and my dear parents. How are you all? कैसे हो आप सब? ठीक? Okay, very good. ठीक है. Once again, I came up with story. Okay, story. New story नहीं है, old one ही है. लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जब तक कि आप लोगों को ये स्टोरी बाहर नहीं होती है, तब तक कि हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे एज वी यूज टू डू इन आर स्कूल. यस और नो? जैसे हम लोग स्कूल में करते थे. हैव यू ऑल रिमेम्बर? डेली प्रैक्टिस करते थे. यस और नो? यस. जब जब हमारा स्कूल का लास्ट लेक्चर होता था, हमारा जब क्लास का लास्ट एंडिंग लेक्चर होता था, तो हम लोग क्या करते थे? जो भी हमने दिन भर में पढ़ा है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते थे. यस और नो? यस. और जब भी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, राइट? यस. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे. जब जब स्टोरी का लेक्चर आएगा, तब तब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. यस और नो? यस, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. क्यों प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप लोगों को स्टोरी बाहर हो जाएगी. ओके? इनकेस अगर कभी स्कूल खुलता भी है, तो आप लोगों को ये स्टोरी बाहर रहेगी. यस और नो? यस, आप लोगों को स्टोरी अच्छे से बाहर रहेगी, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही ये स्टोरी को परफेक्टली बोल पाओगे. यस और नो? यस. कैसा है? अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, तो इट विल बी इजीएस्ट फॉर यू टू से दिस स्टोरी. ओके? बाहर बोलने में आपको, याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, और आपको ये स्टोरी अच्छे से बोलनी आ जाएगी. ओके चिल्ड्रेन? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस वन. ठीक है? व्हाट वाज माय स्टोरी नेम? स्टोरी नेम पता है ना? बुक टू का कौन सा है? द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. यस, द मंकी एंड द पेज नंबर लास्ट पेज नंबर 52. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. यस, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. हमारी स्टोरी में दो कैरेक्टर है, दो मेन कैरेक्टर है. कौन से दो मेन कैरेक्टर है? मंकी एंड द क्रोकोडाइल. अभी तो आपको ये अच्छे से बाहर हो जाना चाहिए कि कौन से दो कैरेक्टर है. सबको मालूम है ना, कोई भी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक दो तीन चार कितने तो भी कैरेक्टर होते हैं. बिना कैरेक्टर्स के स्टोरी बनती नहीं है. कुछ तो भी टॉपिक होता है, किस इंसान के बारे में, या किसी एनिमल्स के बारे में, या किसी बर्ड्स के बारे में, किसी न किसी कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसकी स्टोरी बना के आपसे बोलते हैं. यस और नो? यस. अभी जैसे ओल्डन टाइम के जो लोग होते हैं, जो दादी, हमारी ग्रैंड माँ, ग्रेट ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड फादर, वो जब हमको स्टोरी बोलते थे, व्हाट हाउ दे यूज्ड टू से, एक बार एक राजा था, एक बार एक रानी थी. इट मीन्स वो जो जो राजा रानी, वो क्या है? स्टोरी के कैरेक्टर्स है. ओके? यस, वो कैरेक्टर्स है. नहीं तो कभी कभी क्या बोलते हैं, गाँव की कुछ स्टोरी सुनाते हैं, गाँव के में कुछ प्रॉब्लम होती है, या हमारे गाँव में एक बार एक बड़ा सांप आ गया था, तो सांप, जो स्नेक है, जो सांप है, वो भी क्या है? स्टोरी का कैरेक्टर है. ओके? यस, कोई भी स्टोरी बिना कैरेक्टर के बनती नहीं है. ओके? उसमें एक सब्जेक्ट किसी तो भी इंसान के बारे में, किसी तो भी एनिमल्स के बारे में हम लोग उसमें बात करते हैं. ओके चिल्ड्रेन? ओके, वेरी गुड. तो नाउ टेल मी विच आर द, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन माय स्टोरी? देयर आर टू कैरेक्टर्स. ओके, हु आर देयर? मंकी एंड क्रोकोडाइल. यस, मंकी एंड क्रोकोडाइल. ये सबको याद रहना चाहिए. मैं आने के बाद आप लोगों से ये पूरा स्टोरी पूछू नहीं पूछू, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन योर स्टोरी. ठीक है? टेल मी द नेम ऑफ द स्टोरी. तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए. बुक टू की स्टोरी में कितने कैरेक्टर थे, उस स्टोरी का नाम क्या था, तो आपको ये
याद रहना चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, क्योंकि ये एक बार मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम रीडिंग एवरी डे. एक वीक में दो बार कम से कम आप लोगों को लेक्चर में पढ़ा रही हूँ. हर एक लेक्चर दो बार हो रहे हैं. यस और नो? यस. तो आप लोगों को ये क्या रखना है, याद रखना है, बाहर रखना है. ओके चिल्ड्रेन. ओके, नाउ फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट. वंस आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू ऑल, यू जस्ट हैव टू लिसन. आपको सिर्फ सुनना है पहले. ओके, मैं रीड करूंगी और मैं आप लोगों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी. ओके चिल्ड्रेन, फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट. जब मैं आपको बोलूंगी तभी ही आपको मेरे पीछे रिपीट करना है. ओके, ठीक है. नाउ माय स्टोरी नेम इज, सबसे पहले स्टोरी बोलने से पहले आपको स्टोरी का नाम बोलना बहुत जरूरी है. आपको स्टोरी का नाम याद होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर स्टोरी बोल रहे हो, आपकी स्टोरी का नाम क्या है. ओके चिल्ड्रेन, यू मस्ट नो द नेम ऑफ योर स्टोरी. ओके, विच स्टोरी यू आर गोइंग टू टेल अस. ठीक है, नाउ माई स्टोरी नेम इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. ओके, वॉट इज माई स्टोरी नेम? माई स्टोरी नेम इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. ओके, वंस अपॉन अ टाइम अ मंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री बिसाइड अ लेक. एक बार की बात है, एक गाँव में मतलब एक मंकी हुआ करता था, वो एक झाड़ पर रहता था. वो झाड़ कहाँ था? लेक के पास था. एक नदी किनारे एक झाड़ था, उस झाड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था. He used to throw ripe mangoes into the lake and a crocodile ate them and also took some home for his wife. वो क्या करता था? पके हुए आम जो होते थे वो पेड़ पर बैठकर खाता था और कुछ फेंक देता था. और वो जो पके हुए आम था जो फेंकता था वो उसे कौन उठा के खाता था? क्रोकोडाइल खाता था. यस और नो? क्रोकोडाइल खाता था. एंड वो क्रोकोडाइल कुछ मैंगोज खाता था और कुछ मैंगोज घर पे लेकर जाता था. किसके लिए? फॉर हिज वाइफ. ही यूज्ड टू टेक सम मैंगोज फॉर हिज वाइफ. दे बिकम अ गुड फ्रेंड्स. ऐसे ही वो मैंगो वहां से फेंकता था और ये उठा के खाता था और कुछ अपने घर लेकर जाता था. ऐसे फेंकने उठाने के चक्कर में दोनों क्या हो गए? दे बिकम अ फ्रेंड. ओके, दे बिकम अ गुड फ्रेंड. वो लोग अच्छे दोस्त बन गए. वन डे द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी. एक दिन क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा, प्लीज कम टू आवर हाउस विद मी, माई वाइफ वॉन्ट्स टू सी यू. एक दिन क्रोकोडाइल ने उसको क्या बोला, मंकी को, के प्लीज क्या तुम मेरे घर आओगे, तो मेरी बीवी को तुम्हें देखना है, वो तुमसे मिलना चाहती है. द मंकी सेड, मंकी ने बोला कि आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता हूँ. हाउ विल आई गेट टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ. द क्रोकोडाइल आस्क हिम टू सिट ऑन हिज बैक. क्रोकोडाइल ने क्या बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना. ऑन द वे द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी. जैसे ही रास्ते में चलते रहे, चलते चलते क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा, दैट हिज वाइफ वॉन्टेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी. उनकी वाइफ को किसका हार्ट खाना है? मंकी का हार्ट खाना है. ठीक है, द मंकी वॉज स्केयर्ड टू हियर दिस. मंकी बहुत डर गया ये सुन के. मंकी बहुत डर गया ये सुन के कि वो तो मेरा हार्ट खा लेगी. बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फियर. लेकिन उसने अपना डर नहीं दिखाया, वो डरा नहीं. जबकि उसको पता था, क्योंकि क्रोकोडाइल ने तो उसको बोल दिया कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है. वो डर गया और डर के मारे उसने क्या किया, अपना, जब डर जाते हैं तो अपना डर दिखाते, कुछ लोग अपना डर दिखाते थे डर जाते हैं, तो कुछ लोग अपना डर नहीं दिखाते. तो वैसे ही उसने भी क्या किया, स्मार्टनेस से काम लिया. उसने अपना डर दिखाया नहीं उसको. ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फियर. ही क्लियरली टोल्ड द क्रोकोडाइल. उसने क्रोकोडाइल से साफ साफ कह दिया, आई एम सॉरी फ्रेंड, दोस्त मुझे माफ करना. आई हैव केप्ट माय हार्ट एट होम ऑन द ट्री. मैं अपना दिल मेरे घर पर छोड़कर आया हूँ. सॉरी, घर पर छोड़कर आया हूँ ट्री पर. टेक मी बैक, आई विल फेच इट फॉर योर वाइफ. मुझे
वापस लेकर चलो, मैं आपकी बीवी के लिए वो लेकर आता हूँ। ओके, द फूलिश क्रोकोडाइल स्वैम बैक। जो क्रोकोडाइल था वो फूलिश था, वो वापस से उसने स्विमिंग करना चालू किया, वो वापस चल पड़ा नदी किनारे। As soon as he reached the bank, जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे, the monkey jumped off his back and climbed up the tree. मंकी ने क्या किया, फटाक से जंप करके अपने ट्री पर चला गया। Goodbye friends, he said. उसने अपने दोस्त को क्या बोल दिया, अलविदा दोस्त। Your wife will never taste a monkey's heart. मंकी का दिल कभी भी तुम्हारी वाइफ नहीं टेस्ट कर पाएगी। Moral of the story: presence of mind can make us overcome challenges in our life. Yes, presence of mind can make us overcome challenges in our life. Yes, हम लोग अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम लोग किसी भी चैलेंज को इजीली पार कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिससे हम लोगों को क्रॉस होना है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है जिंदगी में जिससे हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना है। और वो सेफ आप कैसे रख सकते हो, बाय यूजिंग योर माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आपके दिमाग का सही इस्तेमाल करके। ओके, सही इस्तेमाल करके, फूलिशनेस नहीं दिखाना है आपको, स्मार्टनेस दिखाना है। ओके चिल्ड्रेन, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड, यू हैव टू रीड आफ्टर मी। ओके, कम ऑन, पिन पॉइंट ईच एंड एवरी सेंटेंस, ठीक है। My story name is The Monkey and the Crocodile. अभी आप लोगों को read करना है, ठीक है। My story name is The Monkey and the Crocodile. Read after me. Come on, be louder. The Monkey and the Crocodile. Yes, once upon a time, a monkey lived on a mango tree beside a lake. He used to throw ripe mangoes into the lake, and a crocodile ate them and also took some home for his wife They became good friends. One day, the crocodile told the monkey, "Please come to our house with me. My wife wants to see you." The monkey said, "I cannot swim. How will I get to your house?" The crocodile asked him to sit on his back. On the way, the crocodile told the monkey that his wife wanted to eat the heart of the monkey. The monkey was scared to hear this, but he did not express his fear. He clearly told the crocodile, "I am sorry, friend. I have kept my heart at home on the tree. Take me back. I will fetch it for your wife." The foolish crocodile swam back. As soon as he reached the bank, the monkey jumped off his back and climbed up the tree.
goodbye, friends. He said, your wife will never taste monkey's heart. Moral of the story, presence of mind can make us overcome challenges in our life. Okay? With this, I'm ending my today's story. Okay, children, you have to bahar the story and you have to read daily once a day. Okay? Yes. After my lecture, you people are going to get a link. You have to click on that link. Okay? And you have to stand straight for the national song. Okay, children? Theek hai? Chalo then. Take care. Bye-bye. Have a nice day.